नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया था कि RACET एक बेसिक विस्तर कंप्यूटर कोर्स है, जिसकी रूपरेखा इस तरह से तैयार की गई है जो कि विद्यार्थी की कंप्यूटर की मूलभूत समझ को विकसित करने में मदद करती है, आवश्यक कौशल सीखकर कंप्यूटर पर कार्य करने का आत्मविश्वास बढ़ाती है, घर या दफ्तर के कार्य में और अधिक उत्पादकता लाने तथा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जीवन शैली को बेहतर बनाने व व्यावसायिक करियर में समृद्धि के अवसर प्रदान करती है जो पटवारी रिट LDC की परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। तो फिर कंप्यूटर की दुनिया में आपका स्वागत है। कंप्यूटर का फंडामेंटल आज हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर वैसे तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ही है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो जिसका उपयोग हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है और इसके अंदर कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन अर्थपूर्ण डाटा को सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। और कंप्यूटर के फुल फॉर्म वैसे तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म कोई कंफर्म होती नहीं है, जैसे हमने ये बनाई है C कॉमनली O ऑपरेटेड, M मशीन, P प्रैक्टिकली यूज्ड फॉर, T ट्रेड, E एजुकेशन, R रिसर्च। हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप से काम आती है व्यापार शिक्षा में अनुसाधन कार्य में। वैसे तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं। कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी 1946 टू 1955, जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था। सेकंड पीढ़ी है 1956 टू 1965, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। और थर्ड जनरेशन है 1966 से 1975, इसके अंदर IC का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन 1976 टू 1980, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और पांचवी पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन जो है 1980, जो अभी तक एडवांस ऑनवर्ड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर के रूप में चल रही है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है। इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट स्टोरेज है। हम पढ़ेंगे इनपुट के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, इनपुट के बारे में। इनपुट डिवाइस के अंदर आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर 108 की होती है, नॉर्मल कीबोर्ड में 108 की, जिसको चार भागों में बांटते हैं हम। कितने भागों में, चार भागों में। अल्फाबेट की, जो क्यूरिटी की के नाम से भी जानी जाती है, A to Z स्मॉल लेटर। नंबरिकल्स की 0 to 9, स्पेशल की, विंडोज की Ctrl Alt Num Lock, फंक्शन की F1 to F12, 12 टोटल फंक्शन की होती है जो कीबोर्ड के अंदर क्यूरिटी की टाइपिंग के लिए काम आती है। वैसे माउस भी दो प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल माउस, ट्रैकबॉल माउस और वायरलेस, तीन प्रकार के माउस। स्क्रीन पर एक विशेष आइकन होता है जिसे माउस पॉइंटर या कर्सर कहा जाता है। टाइप ऑफ बटन, माउस के जो बटन होते हैं दो होते हैं और तीसरा होता है स्क्रॉलर बटन। लेफ्ट बटन यूज फॉर ओपन प्रोग्राम डबल क्लिक, राइट बटन सिंगल क्लिक प्रोग्राम प्रॉपर्टीज, और पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉलर बटन होता है। इनपुट के अंदर जॉयस्टिक, बच्चों के गेम खेलने के लिए भी जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और स्कैनर, कोई भी हार्ड कॉपी होती है उसको कंप्यूटर के अंदर स्कैन करने के लिए काम में लिया जाता है। बारकोड रीडर मशीन, जो बड़े बड़े शोरूमों में रेट के लिए बारकोड मशीन होती है। कार्ड रीडर, मोबाइल के अंदर या गाना कॉपी करना है, सॉन्ग्स कॉपी करने के लिए कार्ड होता है, उसके लिए कार्ड रीडर, कंप्यूटर में कार्ड डालने के लिए कार्ड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रीडर होता है, वो भी इनपुट डिवाइस होता है।
MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉजिशन, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ये बैंक के अंदर चेक के लिए काम आता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉजिशन, OMR और OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉजिशन, ये परीक्षाओं के अंदर OMR जो परीक्षाएं पूरी होती है OMR शीट के ऊपर होती है। वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, वॉइस रिकॉजिशन सिस्टम, माइक भी इनपुट डिवाइस है। अब आगे बढ़ते हैं हम, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आता है CPU। CPU एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे तो CPU को ब्रेन यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग। और ये जो कैबिनेट होता है इसके अंदर सारे पार्ट लगे होते हैं। वैसे तो CPU एक चिप होती है जो ये इस प्रकार से होती है, जो मदरबोर्ड पे लगती है। आपको दिखाई दे रहा होगा मदरबोर्ड पे कैसे लगाई जाती है चिप, और अंदर से CPU कैसा दिखता है। एट लोग इनसाइड पावर सप्लाई SMPS होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, CD-ROM ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कार्ड लगते हैं साउंड कार्ड, VGA कार्ड, एंड कंप्यूटिंग वगैरह जो बताया हुआ है तीनों के निशान से। आपको मदरबोर्ड इस प्रकार से दिखाई देता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर आपको इसके स्लाइड के माध्यम से और सभी नाम और तीर के माध्यम से बताया हुआ कहाँ किस जगह पर क्या लगेगा। रिबिन्स केबल, बस केबल कहते हैं इसे, ये इस प्रकार से लगती है, इस तरीके की दिखती है। CPU के दो पार्ट होते हैं, ALU और CU। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अंक गणितज्ञ तार्किक इकाई, और CU कंट्रोल यूनिट। अब आता है स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी। मेमोरी प्राइमरी मेमोरी जिसके अंदर रैम और रोम होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक टाइप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। इट कैन बी डिफाइंड एज द पैलेस वेयर द डाटा इज स्टोर्ड। ये होती है मेमोरी की साइज किस प्रकार से होती है, इस टेबल के अंदर बताया गया है। जैसे 8 बीट 1 बाइट होता है, 1 बाइट बराबर 1 कैरेक्टर होता है, 1024 बाइट यानी 1 KB किलो बाइट में होता है, 1024 MB यानी कि मेगाबाइट, 1024 MB यानी कि 1 GB गीगाबाइट्स होता है, सॉरी 1024 GB 1 TB यानी कि टेराबाइट। मेमोरी के अंदर रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें स्टोर डाटा को रीड व राइट कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें स्टोर डाटा पावर ऑफ होने पर रिमूव हो जाता है। ये वैसलाइट मेमोरी होती है, चेंजेबल। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसमें स्टोर डाटा को केवल रीड कर सकते हैं, इसमें स्टोर डाटा पावर ऑफ होने पर रिमूव नहीं होता है, ये नॉन वर्सलाइट मेमोरी होती है। टाइप्स ऑफ रैम, SRAM स्टैटिक रैम होती है, बिकॉज द मेमोरी रोटेशन इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड, इट डिड नॉट हैव टू बी प्रोडक्टली रिफ्रेस्ड, एंड एज इन DRAM इट इज फास्टर देन DRAM द कैनॉट ऑफ द मेमोरी कैन बी रीड मच फास्टर हाउएवर इज मोर एफिशिएंसी एंड इज लार्जर इन साइज। DRAM डायनामिक रैम होती है, कंप्यूटर के अंदर स्पीड के लिए होती है। टाइप्स ऑफ रैम, EDO RAM एक्सटेंडेड डाटा आउट रैंडम एक्सेस मेमोरी, SDRAM सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DDR डबल डाटा रेट। टाइप ऑफ रैम रोम, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये होती है CD की तरह। कैश मेमोरी, ये मेमोरी मेन मेमोरी की साइज मेमोरी होती है, इस प्रकार से बताया गया है स्लाइड में। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS, ये बैटरी कंप्यूटर के अंदर टाइम एंड डेट को अपडेट रखने के लिए होती है। स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी, HDD हार्ड डिस्क,
एफ डी डी फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव डिस्क, डी वी डी डिजिटल वर्सलाइट डिस्क, पेन ड्राइव होती है, फोटो के अंदर सारा बताया हुआ, हार्ड डिस्क ऐसे दिखती है, फ्लॉपी डिस्क सी डी और पेन। हार्ड डिस्क इस प्रकार से होती है, प्लॉटर्स, मैग्नेटिक डिस्क, स्प्लेंडर, हेड फॉर रीड राइट ऑपरेटर, ये होता है हेड जो राइट ऑपरेटर होती है, इसका पावर यहाँ से लगाया जाता है, डाटा केबल यहाँ से लगाई जाती है। डीवीडी सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो 650 से 700 एमबी तक होती है। डीवीडी डिजिटल वर्सलाइट डिस्क जो 4.7 जीबी तक होती है। सीडी और डीवीडी दो प्रकार की होती है, रीड ओनली सीडीआर और सीडीआरडब्ल्यू राइटेबल होती है जिसे इरेज भी किया जा सकता है, वापस राइट किया जा सकता है। ब्लू रे डिस्क ये सबसे बड़ी होती है, आजकल नई आई है 50 से 500 GB तक। स्मार्ट मीडिया कार्ड्स मिनी एसडी कार्ड, आपको पता ही होगा कि आपने मोबाइलों के अंदर मोबाइल में वीडियोस, फिल्म्स, सॉन्ग्स, फोटोज वगैरह इसी के अंदर स्टोरेज होते हैं। यह है माइक्रो एसडी कार्ड जो 1 TB तक होता है। अब आता है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है मॉनिटर, मॉनिटर को VDU भी बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर में मॉनिटर के ये प्रकार है, CRT कैथोड रॉय ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड कैरेस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमेंटिंग डियोड और प्लाज्मा। इसमें HDTV भी आता है, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न यानी कि उच्च परिभाषित टेलीविज़न। यह आता है मॉनिटर अपना, पहले इस प्रकार से मॉनिटर आता था, अभी ये LCD व HDTV के रूप में भी आता है। प्रिंटर, प्रिंटर दोस्तों इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ये लेज़र प्रिंटर बताया गया है इसके अंदर मैंने, यहाँ हार्ड कॉपी निकाली गई है। प्रिंटर के रेजुलेशन को DPI अर्थात डॉट पर इंच में मापा जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर होता है दो प्रकार का, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। लाइन में आता है चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। प्रिंटर के स्पीड को PPM पेज पर मिनट में मापा जाता है। दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इसके अंदर आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के अंदर आपको बताया फ़ोटो वगैरह निकालना है, ग्राफिक्स कलर फोटो निकालना है तो इंकजेट प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर जो अधिकतर लोग यूज़ करते हैं, लेज़र प्रिंटर की स्पीड ज़्यादा होती है। हेडफोन्स, स्पीकर, प्लॉटर। हेडफोन सॉन्ग सुनने के लिए, स्पीकर भी साउंड सॉन्ग सुनने के लिए होता है, और प्लॉटर बैनर वगैरह निकालने के लिए होता है। मॉडेम, मॉडेम दो शब्दों से बना होता है, MO और डैम DEM। MO मॉड्यूलेटर और डैम डिम्यूलेटर। यहाँ मॉडेम का चित्र बताया गया है, केबल वॉल चेक, इस तरीके से पावर केबल लगाई जाती है और केबल वॉल जैक यहाँ से मतलब BSNL का टेलीफोन के अंदर या किसी भी टेलीफोन लाइन में से इंटरनेट को जोड़ा जा सकता है मॉडेम के जरिए। टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्लस्टरिंग बेस्ट साइज स्टोरेज कैपेसिटी में सुपर कंप्यूटर आता है जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर परम होता है, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर परम। मैन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जो बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों या किसी भी प्लांट पर लगाया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर PC और माइक्रो कंप्यूटर होता है, जैसे इस प्रकार से डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट PC एवं हैंडहेल्ड कंप्यूटर होता है। यह है नोटबुक सिस्टम, इसकी स्क्रीन, कीबोर्ड और टच पैड, यह हैंड हेल्ड सिस्टम यूनिट है, और ये टैबलेट PC है। टैबलेट PC और हेड एंड एक जैसे दिखता है देखने में, तो काम उसका अलग अलग होता है, साइज में छोटा होता है टैबलेट PC, बड़ा होता है। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर,
binary, the digital language of computer. This language is composed of an alphabet containing only two letters, 0 or 1, now as bits. Binary language, computer language, number of messages, rule number of letter, 0 or 1, now bits. Any work done on modern computer, from word processing to digital audio, translate this language. Hardware, हार्डवेयर दोस्तों कंप्यूटर के वे पार्ट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे टचेबल डिस्क वगैरह है, मॉनिटर को छू सकते हैं, स्क्रीन, कीबोर्ड, प्रिंटर बोर्ड और चिप्स आदि। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आज आपने क्या सीखा। अब तक आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हिंदी में मिल चुका होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानकारी दी, और आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार टेक्नोलॉजी के बारे में समझ आ गया होगा। आसानी से अब आप कंप्यूटर किसे कहते हैं का जवाब बेझिझक दे सकते हैं। मेरा आप सभी पाठकों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस जानकारी को अपने आड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। मुझे आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मैं और भी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरा हमेशा से यही कोशिश रहा है कि मैं हमेशा अपने रीडर्स या पाठकों का हर तरह से हेल्प करूं। यदि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे। मैं ज़रूर उन डाउट्स का हल निकालने की कोशिश करूंगा। आपको ये लेख कंप्यूटर किससे कहते हैं कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखना और कुछ सुधारने का मौका मिले। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, मेरी वॉइस में और कुछ बोलने में झिझक रहती है, और दोस्तों ज़रूर बताना, लाइक करना, किस प्रकार से सुधार करना है आदि के बारे में ज़रूर बताना। धन्यवाद।